भारतीय संविधान में अगला भाग राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को संविधान में किस प्रकार के कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं, यह आरंभ से ही एक विवाद का प्रश्न रहा है, क्योंकि किसी अनुच्छेद विशेष में राष्ट्रपति को शक्तियां नहीं दी गई हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के बाद में जो विवाद उत्पन्न हुआ उसका कारण था अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, क्योंकि इसी अनुच्छेद में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी या राष्ट्रपति में विद्यमान होगी और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के अध्यक्ष होते हैं। तो बाद में विभिन्न विद्वानों ने और संसद ने एवं सुप्रीम कोर्ट ने आपस में डिस्कशन किया और डिस्कशन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं वे सभी शक्तियां इसी कार्यपालिका शक्ति से उत्पन्न होती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में बाद में सुप्रीम कोर्ट, भारत की संसद और विभिन्न संविधान विशेषज्ञों और विद्वानों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि राष्ट्रपति की शक्तियां इसी कार्यपालिका शक्ति के भीतर हैं और किस प्रकार की शक्तियां हैं इन्हें बाद में विभिन्न रूपों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे केवल अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति दी गई है, बाकी किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह विवाद उत्पन्न हो गया और बाद में आम सहमति से यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां इसी कार्यपालिका शक्ति के भीतर हैं और इस कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं इसे हम राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति के रूप में देख सकते हैं। तो आईएएस एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण लाइन हो सकती है या कॉन्सेप्ट हो सकती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किसी अनुच्छेद विशेष में नहीं किया गया है। तो ये बात पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि इन शक्तियों का उल्लेख बाद में विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं और आम सहमति से किया गया है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति को कुछ विधि संबंधी शक्ति प्रदान की गई हैं और विधायी शक्तियों में हम पढ़ेंगे संसद से संबंधित शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वीटो शक्ति। इसी प्रकार राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां प्रशासनिक प्रकृति की हैं और इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को दी गई आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और राजनीतिक शक्ति अर्थात विदेश नीति से संबंधित शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति को कुछ अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को दी गई सैन्य शक्ति और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित जो विवाद था उसका समाधान हो चुका है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति से इन शक्तियों को विकसित किया गया है और राष्ट्रपति वर्तमान में इन सब शक्तियों का संचालन करते हैं। अगला पाठ है अनुच्छेद 53 का कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं अथवा राष्ट्रपति के भीतर जिन शक्तियों की बात कही गई है क्या वे शक्तियां निरपेक्ष हैं, क्या उन पर कोई सीमा नहीं है अथवा राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग बिना किसी की सलाह के अथवा स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। तो इसी निष्कर्ष में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं एवं प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, वह राष्ट्र के वास्तविक अध्यक्ष नहीं है, इस कारण उनको वास्तविक शक्ति नहीं दी जा सकती और वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते।
तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन है और इन शक्तियों पर मुख्यतः दो प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। पहला अनुच्छेद 53 का उपबंध 1, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग केवल संविधान के अनुसार ही करेंगे। संविधान के अनुसार का अर्थ है, चूंकि राष्ट्रपति ने शपथ जब ली थी तब उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, तो इन्हीं शब्दों के अनुसार उन्हें संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तब संविधान के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को कभी भी हटाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति पर पहली सीमा है अनुच्छेद 53 का उपबंध 1, जो राष्ट्रपति को हमेशा संविधान के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर दूसरी सीमा है अनुच्छेद 74 का उपबंध 1, आर्टिकल 74 का क्लॉज 1। इसमें यह कहा गया है, चूंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, इसलिए वे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग और संचालन केवल केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा, उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य किए गए हैं। इसी अनुच्छेद के तहत बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में और 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति हमेशा केंद्रीय मंत्री परिषद के अधीन और उसकी सलाह पर ही कार्य करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियों पर ये दो प्रकार की सीमाएं लगा दी गई हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते, केवल कुछ मामलों में उनको विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है और वह बड़ी ही सीमित है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं, वो शक्तियां किस प्रकार की हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है और राष्ट्रपति उनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो विधायी शक्ति का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शब्द बना है विधि से, विधि या कानून या लॉ, अर्थात भारत में कानून या विधि बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किंतु संसद के तीन अंग या भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए संसद से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियां विधायी शक्तियां कहलाती हैं। तो विधायी शक्ति का अर्थ है विधि बनाने वाली संस्था संसद से संबंधित शक्तियां। तो राष्ट्रपति विधायी शक्ति के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यों का संचालन करते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति काफी व्यापक रूप में है और इस वीडियो लेक्चर में हम केवल एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पॉइंट ए। पहली विधायी शक्ति है संसद का सत्र बुलाना या संसद का सत्र आहूत करना। आहूत करना एक टेक्निकल टर्म है, सामान्य शब्दों में से कहा जाता है संसद का सत्र बुलाना, टू इनवोक द पार्लियामेंट्री सेशन। सत्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सेशन। सत्र का अर्थ है संसद की कार्यवाही, अर्थात
संसद वर्ष के 12 महीने में कितने समय तक अपने कार्यों का संचालन करेगी। तो संसद जब अपने कार्यों का संपादन करती है तब उसे कहते हैं संसद का सत्र में होना, संसद का कार्यशील होना। तो भारत के राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के नाममात्र के अध्यक्ष हैं और केंद्र सरकार का संविधान के अनुसार संचालित होना सुनिश्चित करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति वर्ष में बार बार संसद को कार्य करने के लिए कहते हैं। तो संसद का सत्र किस प्रकार बुलाया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की सभी शक्तियां केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा संचालित होती है, उसकी सलाह पर ही संचालित होती है। इसलिए जब राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं तब इसके लिए वह पहले भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से सलाह लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, प्रधानमंत्री से डिस्कस करके ही वह निश्चित करते हैं कि किसी सत्र की अवधि कितनी होगी, 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन। अगला, जब राष्ट्रपति किसी सत्र को बुलाते हैं और संसद फिर उस सत्र में अपना कार्य आरंभ करती है तब इस सत्र की अवधि कितनी होगी और सत्र का समापन कैसे होगा, इस संबंध में भी काफी प्रावधान किए गए हैं। तो संसद के दो सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतराल या गैप नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले सत्र के अंतिम दिन से लेकर के दूसरे वाले सत्र के पहले दिन के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने के भीतर ही दूसरा सत्र बुलाया जाना चाहिए, यह संविधान में ही लिखा हुआ है। और यदि ऐसा नहीं होता है तब राष्ट्रपति केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जब संसद का सत्र बुलाते हैं तब साल में 12 महीने होते हैं, इस आधार पर कितने सत्र संसद के होने चाहिए। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि कितने सत्र होने चाहिए, यह बाद में परंपरा के द्वारा निश्चित किया गया है कि संसद साल में कम से कम 3 बार कार्य करती है अथवा संसद के साल में न्यूनतम या कम से कम 3 सत्र होते हैं, ये एक परंपरा के द्वारा विकसित हुआ है। आईएएस एग्जाम में यह पॉइंट आ चुका है। तो 3 सत्रों का प्रावधान संविधान में नहीं लिखा हुआ है, यह बाद में हमने परंपरा के रूप में विकसित किया है, यह न्यूनतम है। यदि संसद के पास और भारत के सांसदों के पास समय है तब 3 से अधिक सेशन भी बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि संविधान इस बारे में साइलेंट है, मौन है, कुछ भी नहीं कहता। यदि क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में यह आता है कि संसद के न्यूनतम और अधिकतम सत्रों के बारे में कोई विधान नहीं किया गया है तब यह पॉइंट पूरी तरह से सत्य माना जाएगा। और ये जो न्यूनतम 3 सत्र आयोजित होते हैं इन 3 सत्रों के नाम है बजट सत्र, द बजट सेशन, ग्रीष्मकालीन या मानसून कालीन सेशन और तीसरा शीतकालीन सेशन। इस प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में हमने सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस किया, संसद का सत्र बुलाना और सत्र से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन यही थी। अगले वीडियो लेक्चर में हम विधायी शक्ति का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डिस्क्राइब स्पेसिफिकली द पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई अ ग्रेट डिस्प्यूट वॉज एमर्ज अमंग द सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट एंड द सो मेनी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बिकॉज
द मेन कॉज और रीजन ऑफ दिस डिस्प्यूट वॉज आर्टिकल 53 वेयर इट हैव मेंशनड द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इनटू द इंडियन प्रेसिडेंट लेटर ऑन द टर्म एग्जीक्यूटिव पावर वॉज डिस्कस्ड डिफाइन और एक्सप्लेन बाय द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट इंडियन पार्लियामेंट एंड द सो मेनी एक्सपर्टाइज पर्सन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द पॉलिटिकल साइंस फाइनली एज ए कंक्लूजन वी कैन से द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट्स हैव नॉट मेंशन इन एनी आर्टिकल ओनली द वन एक्सेप्शन इज आर्टिकल 72 डिस्क्राइब द जुडिशियल पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स दैट्स बाई द कंक्लूजन वॉज ड्रोन एज ऑल द पावर और फंक्शंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स आर वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू दिस टर्म द पावर्स वॉज डेवलप्ड एज इन दिस फॉर्म एंड दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन और द नेचर ऑफ पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट दे आर एज फर्स्ट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इन द लेजिस्लेटिव पावर वी विल डिस्कस पावर ऑफ प्रेसिडेंट विद द इंडियन पार्लियामेंट और पावर टू इश्यू द ऑर्डिनेंस एंड द वीटो पावर द सेकेंड पावर इज द एडमिन पावर इन द एडमिन पावर वी विल डिस्कस द इमरजेंसी पावर्स फाइनेंशियल एंड द डिप्लोमेटिक पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट देर आर सो मेनी अदर्स पावर्स ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर दे आर एज द मिलिट्री पावर एंड द जुडिशियल पावर द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स पावर एंड फंक्शन इज द पावर्स आर एब्सोल्यूट और आर अंडर सो मेनी लिमिटेशन और द रेस्ट्रिक्शन बिकॉज इंडियन प्रेसिडेंट इज ऑनली अ नॉमिनल हेड ऑफ नेशन दैट्स बाई ही कांट डू परफॉर्म ऑल द पावर फंक्शन डायरेक्टली दैट्स बाई द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट एब्सोल्यूट इन इट्स फॉर सो मेनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन हैव इम्पोर्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द लिमिटेशन आर एज टू काइंड वन इज द आर्टिकल 53 क्लॉज 1 द आर्टिकल मेंशन द लिमिटेशन ओवर द प्रेसिडेंशियल पावर एज प्रेसिडेंट शुड परफॉर्म ऑल दीज पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इफ द इंडियन प्रेसिडेंट डू नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देन प्रेसिडेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस बिकॉज प्रेसिडेंट्स होल्ड द ओथ और अफर्मेशन प्रोसेस एज आई विल प्रिजर्व protect and defend the Indian Constitution and law. That's why President is bound to fulfill all the duties or powers according to this. And the second limitation is Article 74, the Clause 1. The article mentions President being a nominal head or constitutional head of nation. President must fulfill or perform all the duties or power according to or on the advice of Central Council of Ministers only. Prime Minister shall be the head of Council of Minister. Later on, the term was exactly defined by 42nd Amendment Act 1976 or 44 Amendment Act 1978. Now we will discuss the different kinds of powers of Indian President. The first power is legislative power of Indian President. The meaning of legislative power. What is the meaning of legislative power? Indian President is an integral part of Indian Parliament. There are two houses of Indian Parliament. The lower house is House of People or the upper house is House of State. While there are three organs of Indian Parliament. One is the Indian President, second is the House of People, or third is the House of State.
That's why we can say Indian President is a integral parts of Indian Parliament and Parliament is a apex body and Parliament is entitled or empowered to make law according to Constitution or all the subject mentioned in the central list and the Parliament make law or President is directly belongs to the lawmaking body. That's why the term have defined as the legislative power. Because Parliament is also known as the legislature. Under the legislative power, Indian presidents enjoy the so many power or function. The first point or first power is President invoke the session of Indian Parliament. What is the meaning of session? Session means the deployment of Indian Parliament. When the Parliament act into force or perform their duty, this is called the session of Parliament. The session is invoked or organized by the Indian President, but it's not a President's own power. President must consult with the Prime Minister or Council of Minister. Later on, President invoke the session of Parliament. And it have also mentioned, there must be no gap more than 6 months between the two sessions of Parliament. And it's a obligation of Indian President. President is bound to invoke the session of Parliament within the 6 months. And in Constitution, there have no provisions how many sessions should be organized or invoked by the Indian President. It was later developed by a tradition. There are minimum 3 sessions invoked or organized in a financial year, but there is no upper limit and maximum session how many can be organized, there is no bar in Indian Constitution. And the 3 session named as the budget session and the summer session or also the monsoon session and the winter session. Is prakar Rashtrapati ki shaktiyon se sambandhit हमने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया. अगले वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर का शेष पार्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.